बहुत सारी गायकियाँ होती हैं, मतलब गायन शैली के बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप ऑफ सिंगिंग स्टाइल। वेस्टर्न में तो है, लेकिन आज हम क्लासिकल की बात करेंगे। हमारे क्लासिकल म्यूजिक जो कि बहुत महान संगीत है, जिससे सभी म्यूजिक का जन्म हुआ है। तो सबसे पुराना जो संगीत है हमारा हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत है, और बहुत सारे प्रकार हुए हैं। आज हम ख्याल गायन शैली की बात करते हैं। इससे पहले ध्रुपद था, ध्रुपद से पहले प्रबंध गायन शैली गाई जाती थी, उससे पहले जाति गायन शैली गाई जाती थी, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो गाई जाती थी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15वीं शताब्दी में एक ऐसी गायकी का आविष्कार हुआ था जो बहुत ही कमाल थी, बहुत प्रचलित थी उस टाइम पर, जिसको बोलते हैं ध्रुपद गायन शैली। बहुत से गायकों ने, हालांकि तानसेन जैसे गायक ने भी ध्रुपद गायन शैली गाई है, तानसेन के गुरु हैं, उन्होंने भी ध्रुपद गायन शैली को गाया है। तो आज मैं आपको ध्रुपद गायन शैली के बारे में बताऊंगा। 12th क्लास में HBSC बोर्ड में आने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं HBSC का बोर्ड का सिलेबस आपको करवा रहा हूँ, पहले मैं CBSE का करवा चुका हूँ। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो से, और मैं आपको आज बताऊंगा कि ध्रुपद गायन शैली क्या होती है, ख्याल गायन शैली से पहले ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, क्या कुछ इसमें विशेषताएं थी, और कैसे कैसे ये लुप्त हो गई, कैसे कैसे ख्याल गायन शैली ने इसका स्थान ले लिया है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से, पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायकी है, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसकी गायकी है, प्राचीन गायकी है, जो कि मैं आने वाले थोड़ी देर में बताऊंगा कि कब उसका विकास हुआ था, कब वो उसका उद्भव हुआ था। तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि ध्रुपद है क्या। ध्रुपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? ध्रुव और पद। तो यहाँ पर मैं उनके अर्थ बता रहा हूँ कि ध्रुव का अर्थ होता है अटल, और पद का अर्थ होता है स्थान। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ध्रुव पद बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जो अपने पद पर अटल रहे। यह शब्द ध्रुव पद से ध्रुपद हुआ, मतलब आरंभ में इसको ध्रुव पद कहा जाता था। और ध्रुव पद क्यों हुआ? क्योंकि जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे से इस शब्द को लिया गया, क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो अपने पद पर अटल रहता है, अपने स्थान पर अटल रहता है। तो यह शब्द जो है ध्रुव पद, जो शब्द है वो ध्रुव तारे से आया है। इसमें क्या अटल है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, धीरे धीरे वीडियो की चर्चा करेंगे और बताएंगे आगे कि इसमें क्या अटल है। तो आगे पढ़ते हैं। ध्रुपद से पहले प्रबंध गायन शैली प्रचलित थी। प्रबंध जो गायन शैली है वो प्रचलित थी। यदि मैं आपसे बात करूं कि ध्रुपद का आविष्कार होता है प्रबंध गायन शैली में से, तो प्रबंध हमारे 260 माने गए हैं, ध्रुपद का आविष्कार प्रबंध गायन शैली में से सालग सूड प्रबंध से हुआ है। तो सालग सूड एक प्रबंध है प्रबंध गायन शैली में के, सालग सूड प्रबंध में से ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार हुआ है, जन्म हुआ है। तो इसको किसने आविष्कार किया वो मैं बता रहा हूँ। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किसने और कब किया यह अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। इसका अर्थ यह है कि जो ध्रुपद गायन शैली है, वैसे तो उसको 15वीं शताब्दी में जन्म मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 13वीं मानते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें तो मतलब इस लाइन से ही पता चल रहा है कि अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि कौन सी शताब्दी के अंदर, कौन से सन में इसका जन्म हुआ था, कब आया था ये, कब प्रचार में आया था। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो ध्रुपद है वो प्रबंध गायन शैली का ही हिस्सा है, प्रबंध गायन शैली में सालग सूड प्रबंध था, तो उसमें से ही ध्रुपद गायकी का आविष्कार हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रबंध गायन शैली के अंदर एक रूपक नाम से एक प्रबंध होता था, रूपक प्रबंध में से भी एक और प्रबंध होते थे जिनको कहते हैं ध्रुवा प्रबंध, तो उस ध्रुवा प्रबंध में से ध्रुपद का जन्म हुआ है। तो अलग अलग लोगों के मत हैं। आगे हम ये चर्चा करते हैं कि कुछ विद्वानों का विचार है कि ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि ध्रुपद की जो रचना है वो 13वीं शताब्दी में होती है, और कुछ के मतानुसार 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की, जो कि मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है। 15वीं शताब्दी में काफ़ी जो कुछ ध्रुपद के बारे में बताया गया, 15वीं शताब्दी के आसपास ही वो ध्रुपद की जो रचना बताई जाती है, जो मैंने पढ़ा है, कई किताबों में मैंने पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर आपको वही बता रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मत चाहे कुछ भी हो, मतलब देखो कोई 13वीं कहे, कोई 15वीं शताब्दी कहे, लेकिन मत चाहे कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है। क्या निश्चित है
कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद गायकी के प्रचार में बहुत हाथ बटवाया। तो राजा मानसिंह तोमर जो कि ग्वालियर के रहने वाले, 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया। उन्होंने स्वयं ध्रुपद बनाए भी थे, गाए भी थे और जगह जगह उसका प्रचार भी किया था। ध्रुपद 15वीं शताब्दी में क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक बात यह भी है कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद को गाया, बनाया और प्रचार भी किया। और हम कहें कि 15वीं शताब्दी मुगल जो शासकों का काल था और मध्यकाल भी उसको माना जाता है, उस समय अकबर का शासनकाल था। तो अकबर के शासनकाल में तानसेन जी ने भी बहुत से ध्रुपद गाए हैं और स्वामी हरिदास जो कि उनके गुरु हैं उनसे भी उन्होंने, जो वृंदावन के रहने वाले, उनसे भी उन्होंने ध्रुपद ही सीखा है। और बैजू बावरा ने भी तानसेन जी को ध्रुपद में ही हराया था। और गोपाल भी, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती, गोपाल जी के बारे में मैंने इतना खास पढ़ा नहीं है, लेकिन गोपाल ने भी बहुत से ध्रुपद गाए थे। अभी हम आगे चर्चा करें ध्रुपद की जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं इनकी होती हैं। यहाँ तक हमने बात की है जो भी कि ध्रुव और पद से मिलकर के बनता है। हाँ, मैं एक बात और बता रहा था कि यहाँ पर अटल क्या है। यहाँ पर अटल ये होता है कि जो ताल चल रही है, ताल के जो पद चिन्ह हैं वो अटल होते थे और इसके अंदर लयकारियाँ की जाती थी। लयकारी का अर्थ ये होता है, जो कि मैंने आपको ख्याल गायकी में बताया था, लयकारी का अर्थ होता है कि जब हम गाने बजाने की लय को बढ़ाते हैं और कम करते हैं, उसको लयकारी कहते हैं। गाना गा रहे हो आप तो गाना कभी दुगुन में गा रहे हो, तिगुन में गा रहे हो, या फिर डेढ़ गुन में गा रहे हो, पाँच गुन में गा रहे हो, कभी एक गुन में गा रहे हो, कभी दुगुन में गा रहे हो, तो ये सब क्या है, लयकारी। स्पीड को कम ज़्यादा करना, लय को कम ज़्यादा करना, गति को कम ज़्यादा करना। तो यहाँ पर जो ताल है, ताल के जो बोल हैं उनकी लयकारी नहीं होती, जो ताल के बोल हैं वो निश्चित अपने ही स्पीड में चलते हैं, अपने ही लय पर चलते हैं। लेकिन जो गायक होता है वो अपनी प्रतिभा के द्वारा लयकारियाँ करते थे। किसकी लयकारियाँ करते थे, स्वरों की लयकारियाँ करते थे, गीत के बोलों की लयकारियाँ करते थे और ताल के पद चिन्ह उसी जगह पर होते थे। इसलिए कहा गया है कि जो अपने पद से अटल रहे, तो पद से अटल क्या है, यहाँ पर ताल के बोल अटल हैं, ताल के जो बोल हैं वो यहाँ पर अपने पद पर अटल हैं, तो इसलिए उसको ध्रुपद कहा गया है। ये गायकी थोड़ी कठोर किस्म की गायकी थी। अभी मैं ध्रुपद की कुछ विशेषताएं बताऊंगा कि जिससे आपको थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी ध्रुपद के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं, ठीक है। जो ध्रुपद गायकी है जो आज भी गाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि ध्रुपद बिल्कुल ये लुप्त हो चुका है, कहीं ना कहीं आज भी गाई जा रही है। आज अगर आप YouTube पर भी सर्च करें तो ध्रुपद की बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले इसके जो शब्द हैं अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। ब्रज भाषा जो कि ये वृंदावन, मथुरा, बरसाना, जो ब्रज गाँव है, ये ब्रज साइड की जो भी भूमि है वो भाषा इसके अंदर पाई जाती है। तो ध्रुपद के चार भाग होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ख्याल में कि स्थाई और अंतरा, स्टार्टिंग की जो लाइनें होती है और स्टैंजे होते हैं। लेकिन ध्रुपद में चार भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। संचारी और आभोग में धीरे धीरे लय को बहुत तेज़ कर दिया जाता है। ध्रुपद की जो प्रकृति है वो गंभीर है, ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है, इसलिए इसे मर्दाना गायकी अर्थात पुरुष प्रधान गायकी कहते हैं। ध्रुपद गायकी का चलन कम होने का कारण ये भी है कि इसे सिर्फ पुरुष लोग गाते थे, पुरुष प्रधान गायकी थी और इसे महिलाएं बहुत कम गाती थी, बहुत कम, क्योंकि इसको गाने से कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। क्यों, वो मैं आगे बताऊँगा। ध्रुपद में वीर, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। जो उसके बोल होते हैं तो उसके अंदर वीर रस, मतलब वीरता के बारे में बताया जाता है, शांत और श्रृंगार रस। एक जो भी राजदरबारी जो गायक है वो अपने राजा के शान में बहुत से ऐसे शब्द बोलता था जिसमें उसकी बड़ाइयाँ की जाती थी और उनकी प्रेज की जाती थी। ध्रुपद में सर्वप्रथम नोम तुम के अलाप से विस्तार किया जाता था, जैसा कि आप ध्यान से पढ़ेंगे फोर्थ नंबर पे, इसे गाने से कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब हम बात करेंगे सिक्स्थ पर, नोम तोम के आलाप किए जाते थे, घंटों घंटों तक नोम तोम के आलाप किए जाते थे। ध्रुपद गाने से पहले नोम तोम के आलाप किए जाते थे जो बहुत जोर जोर से गाए जाते थे। ध्रुपद गायकी में धीमी गति से गीत को आरंभ किया जाता है, फिर लयकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। जो ध्रुपद गायकी है वो धीमी गति से ही आरंभ होती है, उसका गीत जो है धीमी गति से आरंभ होता है। पहले नोम तोम के आलाप किए जाते हैं, अभी तक ध्रुपद शुरू नहीं हुआ है, उसके गीत शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले नोम तोम के आलाप बहुत देर तक किए जाते हैं, फिर उसके बाद ध्रुपद गायकी आरंभ होती है।
लेकिन धीमी गति पर आरंभ होती है। पहले धीमी गति पर आरंभ होती है, उसके बाद लयकारियों का प्रदर्शन होता है, जिसके अंदर लयकारियाँ कौन सी होती है, स्वरों की लयकारियाँ, गीत के बोलों की लयकारियाँ होती हैं, लेकिन पद चिन्ह वहीं रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यह लयकारी दुगुन, तिगुन, चौगुन, पचगुन और छठगुन भी की जा सकती है। मतलब लयकारी देखो दुगुन भी होती है, तिगुन भी होती है, चौगुन चार गुना, पचगुन पाँच गुना और छठगुन छः गुना भी की जा सकती है, कई जगह पर आठ गुना भी कर देते हैं। इसमें ख्याल के समान अलाप तानों का प्रयोग नहीं किया जाता। अलाप का प्रयोग होता है, लेकिन नोम तोम के अलाप का प्रयोग होता है, वो भी आरंभ में। बीच में अलाप का इतना प्रयोग नहीं किया जाता, तानों का भी प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ध्रुपद पूर्ण रूप से गमक और मीन युक्त है। जैसा कि मैं आपको बात करूं कि ख्याल गायकी में इसका विपरीत है, क्या विपरीत है कि ख्याल गायकी के अंदर गमक और मीन का प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन आलाप और तानों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। मींड का प्रयोग करते हैं, बड़े ख्याल में करते हैं मींड का प्रयोग, कहीं कहीं कर भी लेते हैं, लेकिन गमक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है ख्याल गायकी में। लेकिन यहाँ पर गमक और मींड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और आलाप और तानों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ध्रुपद खुले बोलों की ताल पर गाया जाता है। ध्रुपद के साथ जो तालें बजती हैं वो सभी तालें खुले बोल की होती है। खुले बोल और बंद बोल में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। बंद बोल वो होता है कि जब हम कोई तबला बजा रहे हैं, तबले पर बंद बोल बजते हैं, ठीक है, तो तबले के ऊपर हाथ रख के अपनी दो या तीन उंगली से उसको ढक दिया जाता है, उसके एक राइट पार्ट को, उसके दाएं भाग को ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद फिर उसको बजाया जाता है और हाथ हटाया नहीं जाता, उसको कहते हैं बंद बोल। खुले बोल का अर्थ ये होता है कि जब बार बार हर मात्रा हर बोल पर हाथ मारा जाता है और हटाया जाता है, मारा जाता है हटाया, जैसे धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गंधा। ध्रुपद खुले बोलों की ताल पर गाया जाता है। चार ताल, ब्रह्म ताल, सूल ताल, तिवरा ताल, मत ताल, शिखर ताल आदि पखावजों की तालों में गाया जाता है। तो ये कुछ मैंने तालों के नाम लिए हैं, ये सब पखावज पर बजने वाली तालें हैं और इन सभी तालों के जो बोल हैं वो खुले होते हैं। ध्रुपद की संगति पखावज से होती है, किंतु आजकल पखावज का प्रचार कम होने से लोग तबले के साथ भी ध्रुपद गा लेते हैं, लेकिन असर पखावज के साथ ही होता है, क्योंकि जो पखावज के अंदर गूंज बहुत होती है, क्योंकि गमक का यूज़ करना और मतलब उसकी जो असली रूपरेखा है वो पखावज के साथ ही दिखाई देती है, बनती है। बाकी लोग तबला भी यूज़ करते हैं, लेकिन ध्रुपद पखावज का ही हिस्सा है। ध्रुपद जहाँ सिखाया जाता है उसे बानी कहते हैं। देखो बानी क्या है, बानी एक स्कूल की तरह है। स्कूल स्कूल जैसे कि मान लो को आप लोग कहीं सीखते हो, ठीक है, मैंने भी कहीं सीखा है, तो वो सब स्कूल है, ठीक है। जैसे ख्याल के लिए हम घरानों की बात करते हैं, तो वैसे ही जो ध्रुपद जहाँ पर सिखाया जाता था, जहाँ पर मतलब हम एक तरह से हम इंस्टीट्यूट जो उसको बोल सकते हैं ध्रुपद, मतलब उस ज़माने में ऐसे इंस्टीट्यूट शब्द यूज़ नहीं करते थे, हम स्कूल का भी शब्द यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जो एक ध्रुपद सिखाने की जो जगह होती थी उसको हम बानी कहते हैं। तो बानी भारत में चार फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, भारत में चार बानी है प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? पहले नंबर पर है गोबरहार, सेकंड नंबर पर है डागुर, थर्ड नंबर पर है खंडार और फोर्थ नंबर पर है नोहार। तो ये चारों बानियों से रिलेटेड क्या क्या है देखिए। गोबरहार तानसेन से संबंधित है, डागुर जो बानी है वो ब्रज चंद से संबंधित है, खंडार जो बानी है वो राजा सम्मोखन सिंह से संबंधित है और नोहार श्रीखंड से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता था। जो ध्रुपद गाते थे उनको हम कलावंत कहते थे कि भाई ये जो गायक हैं वो ध्रुपद गाते हैं, तो उनको कलावंत कहा जाता था। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ध्रुपद जो है वो मध्यकाल में अधिक था। मध्यकाल मैंने आपको 8वीं शताब्दी से आपको बताया है 18वीं शताब्दी तक, तो 15वीं शताब्दी में ध्रुपद आया था, 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं ये सब मध्यकाल था, तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन था। किंतु आजकल जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया। स्थान ख्याल गायकी ने क्यों लिया इसका, क्योंकि मैंने आपको दो तीन कारण बताए। एक तो इसको गाने से कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता था, पुरुष प्रधान गायकी होती थी और इसे स्त्रियाँ बहुत कम गाती थी, तो जिसके कारण क्या हुआ, जब स्त्रियाँ नहीं गा पाती थी, बच्चे नहीं गा पाते थे, सिर्फ इसे एक जो ध्रुपद गायक होता था वो बड़ा दमदार होता था, ठीक है। तो लेकिन जब ख्याल गायकी आई और जो प्रचलित हुई,
वैसे ख्याल गायकी 16वीं शताब्दी में प्रचलित हुई है, तो उसके बाद धीरे 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 ख्याल गायकी ने इसका स्थान ले लिया और ख्याल गायकी लोगों को पसंद आने लगी बहुत अच्छे तरीके से, जिसके कारण ध्रुपद धीरे 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 कम होता गया और आज भी ध्रुपद बहुत कम है, कहीं ना कहीं गाया बजाया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन ख्याल गायकी आज भी प्रचलन है और जब तक इंसान के दिमाग में, एक गायक के दिमाग में ख्याल रहेंगे, कल्पना रहेगी, तब तक ख्याल जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो ये सब आपने ध्रुपद के बारे में जाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके फोटो क्लिक करके लिख भी सकते हैं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए। तो थैंक यू सो मच।